आपके द्वारा एक अच्छी पहल की गई जो कि थाना प्रभारी बक्सर के द्वारा एक युवक को लाकर ब्लड दिया गया। सर पूरा क्या बात है इसमें? मामला था कि एक लेडीज पेशेंट थी जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था और बच्चा मर गया था पेट में ही, बच्चेदानी फट जाने के कारण बच्चेदानी फट गए थे और अत्यंत ही जरूरत आवश्यक था, बी पॉजिटिव उसका ब्लड था, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, परिजन रो रहे थे तो मेरे पास आए, हम ब्लड बैंक में गए तो बी पॉजिटिव ब्लड वहाँ पे नहीं था। तो सबसे पहले मैंने जो बक्सर नगर थाने का साइबर सेनानी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज डाला कि एक अत्यंत ही आवश्यक है, एक महिला की जान खतरे में है, बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। और 5 मिनट के अंदर नगर थाना प्रभारी रंजीत सर का फोन आता है मेरे पास कि आप कहाँ हैं, तो मैंने बताया कि अभी मैं ब्लड बैंक में हूँ, तो आप वहीं पे रहिए, मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ और बी पॉजिटिव ब्लड के लिए। और वो और उनके साथ टाइगर मोबाइल वाले मनीष जी और एक दो लोग और थे और उनके साथ एक बैंककर्मी जिनका बी पॉजिटिव, और मेरे लिखने के 15 मिनट के अंदर वो रक्तदान कर दिया, जिसके और उसके जो मरीज के परिजन थे वो बहुत खुश थे और मैं कह सकता हूँ कि उनकी तत्परता थी कि उस महिला की जान बचाई गई। आपके द्वारा राशन भी दिया जा रहा है लोगों के लिए, जी क्या करना? हम लोग 25 मार्च से ही एक अभियान के तहत हम लोग लगे हैं। वैसे परिवारों को पहले तो जितने शहर के और शहर के आसपास के गाँव के जितने दिव्यांग बंधु थे, विकलांग और विधवा महिलाएँ थीं, उनको पहले हम लोग सूचीबद्ध उनके पास राशन हम लोग दिए। उसके बाद अभी वैसे मध्यम वर्ग जो परिवार हैं उनका चयन हम लोग कर रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से मांग नहीं सकते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत चिंताजनक है, वो कहीं जा के ले नहीं सकते, तो वैसे परिवारों को हम लोग डोर टू डोर प्रतिदिन ऐसे 50-60-80 परिवारों को हम लोग राशन का किट देते हैं जिसमें चावल, आटा, मसाला, सोयाबीन, दाल, तेल, सब समान, नमक सब समान रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रही है? पूरी तरह से, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत संगठन जो ऐसा है कि वहाँ नहीं हो पा रही है। जी तो ये कमी है और सब दोष प्रशासन पे ही मरने से नहीं होगा, प्रशासन या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार सामाजिक दूरी के लिए आग्रह कर रहे हैं और बांटना भी है तो उसका एक नियम है, हम लोग बांटें और अभी भी बांट रहे हैं, प्रशासन को कहीं दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ तक कि जब हम लोग को देना होता है हम लोग डीएसपी के, मैं खुद डीएसपी के व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, डीएसपी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, क्योंकि सर आज फलाना फलाना मोहल्ले में जाना है, 50 राशन पैकेट बांटना है, तुरंत उधर से फोन कॉल आता है कि और प्रशासन के लोग आ जाते हैं, प्रशासन के साथ हम लोग जाते हैं, कहीं नहीं बहुत हुआ तो 5 लोग वो भी दूरी बना के लगे रहते हैं, हम लोग देते हैं और ज़्यादातर हम लोग डोर टू डोर हम लोग दरवाजे पे ही पहुंचा देते हैं, अगर किसी बस्ती में हम लोग 50 लेके जाएंगे तब तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी, इसीलिए पहले हम लोग लिस्ट थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं और वैसे परिवारों तक हम लोग एक मानिए कि ठेला पे लाद लिए 50 और एक जिस घर पे देना है धीरे से वहाँ पे दे दिया, अगल बगल को पता भी नहीं चला और आगे चलते बने, ऐसे सामाजिक दूरी का भी पालन हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन को मदद भी कर रहे हैं। रामजी सिंह, सामाजिक कार्यक्रम।